नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्वाति। खबर छतरपुर से है, जहां तहसील कार्यालय छतरपुर में उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब तहसील कार्यालय छतरपुर में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ साथ लिपिक वर्ग के कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए SDM कार्यालय का घेराव कर दिया। हम आपको बता दें कि तहसीलदार सुनील वर्मा पर कर्मचारियों ने अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यालय सहायक रविंद्र सोनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि तहसीलदार सुनील वर्मा द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ साथ लिपिक वर्ग के कर्मचारियों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए गाली गलौज की जाती है, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान है और हम सभी कर्मचारी तहसीलदार सुनील वर्मा को यहां से हटाए जाने की मांग करते हैं। दूसरी ओर भृत्य रमेश सेन ने बताया कि वह डाक बांटने और नोटिस तामील कराने के लिए जाते हैं, जबकि तहसील कार्यालय में 5 से अधिक भृत्य केवल घंटी सुनने के लिए रखे गए हैं। कुल मिलाकर छतरपुर तहसीलदार की प्रताड़ना से परेशान होकर सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर तहसीलदार छतरपुर सुनील वर्मा को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए SDM छतरपुर विनय द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पूरे मामले में SDM विनय द्विवेदी का कहना है कि तहसील कार्यालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तहसीलदार छतरपुर द्वारा सभी कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने के निर्देश दिए गए हैं, फिर भी कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया है जिस पर बिंदुवार कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि यह हमारे परिवार का मामला है, परिवार में बैठकर निराकरण कर लिया जाएगा। वहीं तहसीलदार के अभद्र व्यवहार करने के सवाल पर कहा कि जांच उपरांत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। प्रताड़ित किए जाने बाबत महोदय, हम सभी तहसील के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व खंड लेखक व चौकीदार निम्नलिखित सादर विनय करते हैं। यह कि श्री सुनील वर्मा तहसीलदार हम सभी कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तथा सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्य करने के बाद भी कार्य देते हैं तथा कारण बताओ नोटिस देकर सेवा से पृथक करने की धमकी देते हैं। इस प्रकार श्री वर्मा तहसीलदार द्वारा हम सभी कर्मचारियों को अनेकानेक कारण प्रकार से प्रताड़ित करते हैं व अभद्र गाली शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करते हैं, जिससे हम कर्मचारियों का मानसिक प्रताड़ना होती है। यदि श्री वर्मा तहसीलदार का कार्य व्यवहार हम सभी कर्मचारियों का नाम है आपका? हमारा रमेश कुमार सेन नाम है, भृत है। और की परेशानी है हमको, ये परेशानी है सर कि हमको 8:30 बजे तामीली में जाना पड़ता है और वे तामीली में एक दिन की तारीख देते हैं और कहते हैं अभी लिखकर के लाओ, कम से कम 500 नोटिस रहते हैं। छतरपुर लोकल की करते हैं हम, वो हमको 20 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है और वे कह रहे हैं कि अभी लाओ करके डाक भी बांटो और तामील भी करो। ऐसा कभी नहीं हुआ सर, आज से कई साल हो गए, जबकि यहाँ डाक के लिए दूसरा भी चपरासी लगा है, 5-5 चपरासी अपने घंटी में लगाए हैं, जबकि एक चपरासी मिलता है। आदमी 10 हैं और पते हैं 24 चपरासी थे पहले, अब 10 बचे हैं। 10 में कितने आदमी कोटन में लगे हैं, 2 आदमी तामील कर रहे हैं, कैसे हो पाएगा काम? ये सुनील वर्मा है, ये तहसीलदार परेशान सभी सभी कर्मचारियों को गाली बकते हैं और वो करते हैं तानाशाही करते हैं। नहीं, गाली हमको तो नहीं दिया, लेकिन कई जन कर्मचारियों को गाली देता है। प्रदर्शन किस तरह कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सही ढंग से काम करवाया जाए और सही ढंग से तामीली जैसे होती थी वैसी करवाया जाए, तो समय दिया जाए तामीली का। रविंद्र सोनी नाम पद पर आप पदस्थ हैं? मैं कार्यालय सहायक के पद पर हूँ इस कार्यालय में। किस तरह से परेशानी आपको हो रही है, कहाँ पर हो रही है परेशानी? मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है हमें हर समय, और समय पर आते हैं और समय पर जाते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि समय से पहले आइए, समय के बहुत देर बाद जाइए। रात को 9-10 बजे तक कार्य करते हैं डेली। इसके बाद भी जो है मानसिक रूप से हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, छुट्टियों के दिनों में भी बुलाया जाता है। इसके बाद भी मतलब संतुष्टि नहीं है उनके अंदर, हर समय कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं हर कर्मचारी के साथ। किसके द्वारा ये परेशान? तहसीलदार श्री वर्मा जी। अभद्रता भी करते हैं? हाँ, सब हर किसी के साथ अभद्रता भी करते हैं। कार्यशैली मतलब उनकी ऐसी ही है, तो सभी कर्मचारी ऐसे परेशान? हाँ, सभी कर्मचारी, इसीलिए आज इसीलिए सभी कर्मचारी एक साथ खड़े हुए हैं, यानी प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, सभी लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हर कोई परेशान है इनसे, हर किसी को धमकी देते हैं। हम चाहते हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए। कर्मचारियों ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, अभद्रता का आरोप लगाया, परेशान किया जा रहा है कर्मचारियों को, आवेदन भी आपको दिया है? जो इन्हें आवेदन दिया है इसके बिंदु जो है इसके बारे में हम देखेंगे और इसको दोनों से पूछेंगे
वास्तविकता क्या है, ये हमारे परिवार का मामला है, इसको निपटा लेंगे। वैसे परिवार में गाली गलौज भी चलती है, ये जो गाली गलौज की बात है ये मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है। गाली गलौज नहीं होना चाहिए, और हुई होगी तो उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बंदा ऐसा इनका कहना है, तहसीलदार से ही पूछते हैं कि वास्तविकता क्या है, और जो हमें बताया गया है तहसीलदार के द्वारा कि हम इनसे काम लेना चाहते हैं, समय पर अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति डाली जाती है। लंबे समय से चलता रहा, यहाँ पर सुधार की व्यवस्था कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इसको हम देखते हैं वास्तविकता क्या है और सुधार लाएंगे इसमें। ये परिवार का मामला है, निपटा लेंगे। कई कर्मचारियों का आरोप है कि हमेशा गाली गलौज। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं ये गलत है। बाकी हम देखते हैं, हमारे परिवार का मामला निपटा लेंगे इसमें, हम ये अवस्था नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है।